ये तस्वीर उन युवाओं की है जो वतन की हिफाजत के लिए सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचे हैं। भारी विरोध के बावजूद अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फतेहगढ़ स्थित राजपुर रेजिमेंट सेंटर में शुक्रवार से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी, जो अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको इसकी भर्ती परीक्षा की एक बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दरअसल यह बुक नए एग्जाम पैटर्न पर बनी हुई है, जिसके तहत इसमें 2022 के न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। और साथ ही दोस्तों, इसमें 50 साल बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और 2400 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा साथ में चक्षु पब्लिकेशन की आर्मी GD अग्निवीर के साथ अन्य प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं। इसलिए आप चाहें तो किताबों को एक ही साथ ले सकते हैं और ये आपकी बेहतर तैयारी में काफी मददगार साबित होंगी। दोस्तों, ये किताबें आपको लोकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन में भी मिल जाएंगी, जिसके खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया अगले 7 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें 12 जिलों के 1,13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रोजाना अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। अग्निवीरों के भर्ती के पहले दिन फरुखाबाद जिले के 11,139 अभ्यर्थी अपना दमखम दिखाने पहुंचे। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ग्राउंड में पहुंचने से पहले बरगतिया घाट में एकत्रित किया गया। वहां सबसे पहले अभ्यर्थियों की भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, जिसके बाद युवाओं को 50 और 100 की संख्या में छावनी क्षेत्र में भेजा गया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो सके, इसके लिए पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, रोडवेज वर्कशॉप, फतेहगढ़ चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस और PSC के जवानों की तैनाती की गई। साथ ही युवाओं को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक छोड़ने की व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की जा रही है।